10 लाख से जो ऊपर लगाते हैं, हाँ, उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख दो, पैसा ले जाओ, स्टाम्प पेपर रिफंड करने वाले हैं आप। हाँ, स्टाम्प पेपर ले आओ, लिख के देंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है। जो भी आते हैं सूरत, सही बात, हम रहना खाना फ्री देते हैं और उनको यहाँ समझाते हैं, हर तरीके से गाइडलाइन करते हैं, पूरी दिखाते हैं। और हमारा फोकस रहता है कि उनका कपड़ा कैसे बिकेगा जी, तब मेरा बिकेगा। लोगों जैसा नहीं है कि मेरा बिक गया, काम खत्म हो गया। जब तक उनका बिकता नहीं है तब तक अपना बिकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता शर्मा और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आप ही की कंपनी ओम विजय फैशन में, जो कि सूरत में है। तो आज हम यहां पर डायरेक्ट सर से बात करने वाले हैं, आज मैं डायरेक्ट आपको सर से मिलाने वाली हूं, तो कंटिन्यू सारी बातें हम उनसे ही करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। काफी टाइम के बाद आपसे मिला रही हूँ व्यूअर्स को, क्योंकि हमेशा आप उनके प्रिय रहे हैं और आपकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और बिजनेस के लिए जो आप बातें बताते हैं, खासकर आपका जो वो सुरक्षा कवच, वो काफी, मतलब काफी कमेंट आए, काफी कॉल आए उस पर। तो मैं चाहूंगी कि आज आप जो सीजन चल रही है और जो नया शुरुआत करना चाह रहे हैं, उन सब के बारे में आज बताएं। देखिए, जिसको भी नया चालू करना है जी, पहले उनको डर को भगाना पड़ेगा जी। हमारे पास क्या है, कोई जादू है नहीं बिल्कुल कि उनका माल जाके बिक जाएगा। हिम्मत रखेंगे तो काम होगा, सोचते रहेंगे तो काम होगा नहीं। बिल्कुल। जो भी आते हैं सूरत, सही बात, हम रहना खाना फ्री देते हैं और उनको यहाँ समझाते हैं, हर तरीके से गाइडलाइन करते हैं, पूरी दिखाते हैं। और हमारा फोकस रहता है कि उनका कपड़ा कैसे बिकेगा जी, तब मेरा बिकेगा। लोगों जैसा नहीं है कि मेरा बिक गया, काम खत्म हो गया। जब तक उनका बिकता नहीं है तब तक अपना बिकता नहीं है, क्योंकि हम लोग नए नए रोज ग्राहक कहाँ से लाएंगे। सही बात है, पुराने ग्राहक ही काम आते हैं, और जब बढ़िया काम करेंगे तो ही ग्राहक बढ़ते हैं जी। और उनका खर्चा नहीं होगा तो जाके कमाई होगा, और पहले ही एकदम खर्चा कर लेंगे तो नए आदमी 5,000-10,000 खर्चा लग जाता है, तो आगे माल बेचेंगे क्या, कमाएंगे क्या। सही बात है। कोई कम पूंजी भी लेके आता है, कोई ज़्यादा ले आता है। ज़्यादा लाते हैं उनके लिए तो एकदम सुरक्षा कवच निकाल के रखे हैं जी, कि जो 10 लाख-20 लाख लगाते हैं फुल गारंटी है। 10 लाख से जो ऊपर लगाते हैं, हाँ, 10 लाख से जो ऊपर लगाते हैं, हाँ, उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख दो, पैसा ले जाओ, स्टाम्प पेपर रिफंड करने वाले हैं आप। हाँ, स्टाम्प पेपर ले आओ, लिख के देंगे, बोलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, मैं 300 रुपया लेके आया था, हमारे गांव सासाराम बिहार पड़े, रोहतास जिला। तो जब हम 300 से इतना आगे बढ़ गए, इतना काम किए जो 10 लाख से ऊपर लगाएगा, तो आप भरोसा करो कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें पूरा रेंज देंगे, पूरी तरीका बताएंगे, ओपनिंग करने का, माल बेचने का, स्टिकर लगाने का, कैसे मुनाफा करने का। फिर आप हर महीने का 1,50,000-2 लाख कमाना चालू कर देंगे जी। सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज पूछना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि मैं भी बहुत सारे वीडियो सूरत के देखती हूँ, तो यहाँ पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो रहना खाना फ्री देते हैं, जैसे कि आप भी दे रहे हैं, तो वो कपड़े पे ही मार्जिन, मतलब कस्टमर से ही वो जो है लिया जाता है, ये कहाँ तक सच है? ऐसा नहीं है। देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल, अपने पास सेवा करने का मौका मिलता है, कोई भी दरवाजे पे आता है, बहुत भाग्य होता है कि 150 आदमी को रोज भजन कराओ और रुकवाओ। भगवान ने हमको सक्षम बनाया है, मेरे पास खुद का बिल्डिंग है, बनाया हुआ है, कोई भाड़ा देना नहीं है, खाली लाइट बिल लगता है जी। उसमें भी हम बिल्डिंग के नीचे 2 दुकान निकाल के रखे हैं, उसे लाइट बिल भरा जाता है जी। मतलब खर्चा कुछ नहीं लगता, कुछ खर्चा लगता सर, एक ही कारण था, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आज आपसे ही जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सारे व्यूअर्स आपसे सुने। वीडियो में बिल्डिंग देखिए, नीचे में शटर लगाई हुई है 2, उसको भाड़े पे दिया हुआ है कि लाइट बिल भर जावे और रहने के भाड़ा लगता नहीं अपने को जी, अपना खुद का है जी। खाने की बात रहा तो कोई भी एक दरवाजे पे आएगा, एक शाम दो शाम रहना है तो खिलाने के लिए मना नहीं है, कमाते हैं खाने के लिए ही जी। और कोई हमारे पास खाने नहीं आता, व्यापार करने आता है। हम इसलिए व्यवस्था देते हैं कि उनका सुरक्षा हो जावे, और उनको जो बिना मतलब कि हम आज भाड़े पे दे देंगे तो 3,000 आएगा और व्यापारी को एक दिन में 3,000 लग जाता है जी। बिल्कुल, तो इसके लिए अपना 3,000 खर्चा करने से लोगों का 30,000 बच जाता है, तो शांति मिलती है। और व्यापार करना है तो सुविधा देना पड़ेगा, जब सुविधा देते हैं तो ही व्यापारी आगे बढ़ते हैं,
और जो नए कस्टमर आते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये बात है कि रहने खाने की जो सुविधा व्यवस्था दी गई, आज मैं सर से डायरेक्ट आप लोगों को सुनवा रही हूँ, क्योंकि आप जान लीजिए कि यहाँ अगर आपको ये व्यवस्था मिल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई फायदा है, सिर्फ एक सेवा है आपके लिए। और कोई जबरदस्ती नहीं है कि उनको लेना है, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, एक दो दिन रुक के जाते हैं, जिनको सेवा मिलता है वो कमेंट में बतावे कि गलत है कि सही है। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा देते हैं कि नहीं देते हैं। सही बात है, दिन में आते हैं, रात में आते हैं, कभी भी आते हैं, 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, गाड़ी भी रखा हुआ है, स्टेशन आवे, हवाई अड्डा आवे, कहीं भी आवे, बस डिपो आवे, उनको रिसीव भी कराते हैं, हमारा दिन का रात का ड्राइवर अलग रखा हुआ है जी। सेवा में कोई तकलीफ नहीं, सेवा का भरपूर फायदा उठाएं जी, और निस्वार्थ। और सबसे बड़ी बात है कि सूरत मंडी में जो लोगों के साथ ऑनलाइन के चक्कर में बहुत बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये फैसिलिटी सुविधा रखी गई है ताकि आप वक्त लेके आए और आप यहाँ रुकेंगे, देखेंगे, अपने आंखों के सामने माल पैक करवा लेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। बिल्कुल, तो ले जाके बेच पाएंगे। यही तो ऑनलाइन में इसीलिए पैसा नहीं डलवाते हैं, डलवावे तो बहुत डलवा देवे। तो मैं कोई भी बोलता है कि पैसा डालता हूँ 10,000, 20,000, 50,000, मैं नहीं डलवाता हूँ, यही बुलाता हूँ, यही दिखाता हूँ, आंखों के सामने देता हूँ। रीजन क्या है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते, ये क्या कारण है सर? चीटिंग होता है, लोगों को भरोसा टूटता है, इसके लिए व्यापार उनका पैसा डूब जाता है, व्यापार कर नहीं पाते हैं, आते हैं आंखों के सामने देख के लेके जाते हैं तो माल बेच लेते हैं और रिपीट खरीदी करने आते हैं, यानी एक भरोसा। तो ये सबसे बड़ी चीज है और ओम विजय फैशन में यही सबसे पहले आपको मिलेगा, इसीलिए ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते, विजिट करने में यानी कि मुलाकात करने पे, फेस टू फेस मिलने पर ही भरोसा किया जाता है, विश्वास किया जाता है। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और खुद आप बताएं तो आई होप सो आप सभी को ये बातें जो है अब ट्रस्ट आ गया होगा कि जो ऑनर है, जो सुविधा दे रहे वही आपको कह रहे हैं। और जैसे कि कहा सर ने कि कोई पाबंदी नहीं है, सुविधा ले रहे हैं आप लीजिए, माल कहीं से खरीदना है खरीदिए, बस धोखा मत खाइए, एक ही यहाँ की लक्ष्य है। तो उम्मीद करूंगी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर कोई जान पाए कि जो यहाँ रहना खाना फ्री दिया जा रहा है, यहाँ पर कोई आपसे जो है कि कमीशन नहीं लिया जाएगा, ना ही आपसे लिया जाएगा, टोटल आपके लिए फ्री सेवा है। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।